क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, वर्णन करें कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी से। आंसर है इसका द कन्वेक्शन करंट्स एंड द लेटरल कंप्रेशनल फोर्सेज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज और द ग्रेट हिमालयन रेंज। संवहनिक तरंगों तथा भारी क्षितिज दबाव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। फर्स्ट पॉइंट है इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट करोर्स ऑफ ईयर्स एगो। करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का भाग था। सेकंड पॉइंट है द कन्वेक्शन करंट्स ऑफ द मेंटल फ्रैक्चर द गोंडवाना लैंड इनटू ए नंबर ऑफ पीसेज। मेंटल की संवहनिक तरंगों ने इसे अनेक भागों में तोड़ दिया। थर्ड पॉइंट है द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड ड्रिफ्टेड स्लोली टुवर्ड्स द नॉर्थ विच कोलिडेट विद द यूरोशियन प्लेट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। गोंडवाना लैंड से अलग होकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रवाहित हुई जो उत्तरी गोलार्ध की बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से टकराई। फोर्थ पॉइंट है द नॉर्दर्न एज ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज पुश्ड बीनीथ द यूरेशियन प्लेट। इंडो यूरेशियन प्लेट का उत्तरी सिरा यूरेशियन प्लेट के नीचे धस गया। लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इसमें अंडर द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द एनक्लोज्ड ओशियन वर फोल्डेड टू फॉर्म द हिमालयाज। टकराव के इस प्रभाव से बीच के महासागर की प्रतदान अवसादी शैलें मुड़ गई जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। ये प्यारे बच्चों 5 पॉइंट है, 5 अपनी नोटबुक में लिख करके याद करें।